दोस्तों, इस वीडियो में वैसे तो हम बात करेंगे फौजी मूवी के बारे में, लेकिन करीना कपूर की जो न्यूज़ है, जो पिंक बिल्ला की तरफ से आर्टिकल आया है और स्पिरिट मूवी के साथ जो जोड़ा जा रहा है, मैंने भी एक वीडियो बनाया लास्ट कि हो सकता है क्या बोल करके, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं उस वीडियो का कुछ कमेंट्स आप लोगों का देख रहा था और यार मेरे दिमाग में वो क्यों नहीं आया वो मैं सोच रहा हूँ। मैं एक्चुअली भूल गया एटली कुमार की फिल्म के बारे में कि भाई एटली कुमार और सलमान खान की फिल्म जो है, ये फिल्म भी शूटिंग स्टार्ट हो रही है 2025 शुरुआती दिनों से। और फिल्म रिलीज होने वाली थी 2026 में, मतलब ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी किंग मूवी आ रही है ईद में तो सलमान खान की फिल्म नहीं आएगी, लेकिन 2026 में आएगी भाई। टाइगर थ्री जैसे दिवाली के मौके पर आया, ठीक उसी तरह वो एटली कुमार सलमान खान वाली फिल्म जो है 2026 दिवाली के मौके पर आ भी सकता है। एक किसी भी एक फेस्टिवल को सलमान खान पकड़ सकते हैं, एक हॉलीडे को पकड़ सकते हैं। 2026 ही बोला गया है ना, मतलब जो आर्टिकल आया है करीना कपूर के नाम से वो 2026 में फिल्म रिलीज होगी और 2025 के जनवरी में फिल्म शूटिंग स्टार्ट हो जा रही है, ये अपडेट है ना। तो एटली कुमार की फिल्म हो सकती है, मैं कैसे भूल गया यार। और एटली कुमार भी तो एक भरोसेमंद डायरेक्टर है अभी के टाइम पे। और वैसे भी सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये भी है कि आप देखे होंगे, जब भी कोई एक ऐसी फिल्म आती है, सलमान खान की हो गया, अजय देवगन की हो गया, आमिर खान की हो गया, इन लोगों का, तो बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस को चांस मिल जाता है। जैसे काफी सालों बाद कौन सी फिल्म, आमिर खान की फिल्म आई लाल सिंह चड्ढा, उसमें करीना कपूर को लिया गया। बजरंगी भाईजान में करीना कपूर को लिया गया। सिंघम मूवी के बाद सिंघम अगेन में, जो कि सिंघम पाडवान में काजल अग्रवाल का काम बहुत ही अच्छा था, लेकिन सिंघम अगेन जब आया, सिंघम टू जब आया, सिंघम का पार्ट टू जब आया, उसमें करीना कपूर को लिया गया। कोई जरूरत नहीं थी वहां पे, अगर काजल अग्रवाल को लेते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि आप यूनिवर्स बना रहे हो। तो बॉलीवुड के ऐसे मशहूर एक्ट्रेस लोगों को चांस मिलना सलमान खान की फिल्म में, अजय देवगन की फिल्म में, बॉलीवुड के किसी एक बड़े सितारे की फिल्म में, ये आम बात है। तो एटली कुमार की फिल्म होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, यस मुझे लग रहा है। और जहां तक बात होती है संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर, ये फौजी के हमारे ये जो डायरेक्टर हैं हनु राघव पुरी जैसे डायरेक्टर, ये जो अभी जो पैन इंडिया लेवल पे फिल्म लेकर के आ रही है भाई, ये जो डायरेक्टर लोग हैं ना, ये लोग ना नए चेहरे को ढूंढते हैं। एनिमल मूवी में देखो रश्मिका मंदाना को लेकर के आए और ऊपर से तृप्ति डिमरी को लेकर के, और उसी फिल्म से तृप्ति डिमरी की भाई चांदी हो गई है। तो संदीप रेड्डी वांगा एक ऐसी एक्ट्रेस को तो जरूर लेंगे जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा मशहूर हो, यंग हो और उनका टाइम चल रहा हो। यस, मैं कन्विंस हूँ दोस्तों आप लोगों की कमेंट से, ये मेरे दिमाग से नहीं आया, आप लोग कमेंट किए, सो थैंक यू सो मच। और कुछ लोग बोले कि बीएसटी रिव्यू का, यार ऐसी बातें क्यों करते हो यार, मतलब क्या है ये है? समझ में नहीं आ रहा इस न्यूज को। अगर योगी योगी पीडिया में अगर योगी भाई आकर के फिर से अपना वीडियो बनाएंगे 2-3 दिन के बाद इस टॉपिक के ऊपर, तो क्या वो हमारा कॉपी कर रहे कुछ भी? खैर मैं ध्यान नहीं देता इन सारी चीजों को, देख रहा था तो दिख गया तो बोल दिया। अभी हम बात करते हैं फौजी मूवी के बारे में। फौजी मूवी को भी लेकर के अपडेट देखने को मिला है कि सेकेंड हीरोइन भी इस फिल्म में है, ठीक है। ईमान इस्माइल तो इस फिल्म की एक्ट्रेस है जो कि कंफर्म हो चुकी है, पूजा सेरेमनी में वो आ करके। अभी जो तमिलनाडु में एक शेड्यूल चल रहा है विदाउट डार्लिंग प्रभास शूटिंग वगैरह जो चल रहा है, उसमें एक और एक्ट्रेस भी जुड़ी हुई है, मतलब एक और एक्ट्रेस भी इस फिल्म में शामिल है, मतलब ये भी दो एक्ट्रेस को लेकर के फिल्म बना रहे हैं हनु राघव पुरी। शायद वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस की जो बात हो रही थी ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर मृणाल ठाकुर भी हो सकते हैं। मृणाल ठाकुर मना कर दिए हैं, पर सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है तो हो भी सकता है, पता नहीं क्या है, कौन है कौन है, लेकिन एक सेकेंड एक्ट्रेस फौजी मूवी में भी है बोल करके अभी अपडेट हमें देखने को मिला है, क्योंकि वो शूटिंग सेट में जुड़ चुके हैं। तमिलनाडु में बहुत ही बड़े शेड्यूल चल रहे हैं अभी, डार्लिंग प्रभास राजा साहब के शूटिंग में बिजी हैं, इसी वजह से वो फौजी मूवी की शूटिंग नहीं कर रहे हैं। उनको छोड़ करके बाकी सारे लोगों को लेकर के अनुराग व पुरी जो है शूटिंग स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। और उसमें एक और एक्ट्रेस भी जुड़ी हुई है, देखते हैं कौन है क्या है, उनका नाम जब सामने आएगा तब हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। वैसे आपका दिल क्या कह रहा है कि सेकेंड एक्ट्रेस फौजी मूवी का कौन हो सकते हैं? मृणाल ठाकुर होने की कोई चांसेस है या फिर कोई और हो सकते हैं? जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।